बिजनेस के अंदर एक इक्वेशन हम जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ये कहती है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर मान लो मैं तुमको कहता हूं कि अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है से 1 अप्रैल 2020 को और उस दिन हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज और कैपिटल दे दी जाए और फिर तुमको कहा जाए कि जो 31 मार्च 2021 की हम बात करें तो उस समय की मैं एसेट्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो ये जो कैपिटल है ये हमारी ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी और ये एसेट्स हमारी ओपनिंग एसेट्स कहने, ओपनिंग माने साल के शुरू की, ठीक है सर, ओपनिंग कहला सकते हैं और कैपिटल एट द बिगनिंग भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है समझ गया। और ये जो कैपिटल एंड की है दिस इज कॉल्ड एज क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड। अच्छा सर, तो जैसे जैसे 1/4/2020 बहुत बार ओपनिंग स्टॉक दिया रहता है तो यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल, है ना, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब ये ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में डिफरेंस क्या है? अगर मैं ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे आऊंगा तो इसमें डिफरेंस ये है कि ओपनिंग कैपिटल में अगर मैं एडिशनल कैपिटल को जोड़ दूं और ड्रॉइंग्स को माइनस कर दूं और फिर अगर मैं प्रॉफिट को भी जोड़ दूं तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी, मतलब जो साल के शुरू की कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल है उसके अंदर मैं एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दूं, प्रॉफिट को ऐड कर दूं, ड्रॉइंग्स को लेस कर दूं तो मेरे को क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, सर सर एक मिनट, जहां तक आपने लिखा वहां तक मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, हाँ सर, सर तो इससे सर मेरे को सर ये समझ में आया कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है वैसे इसमें कैपिटल अपन ने ओपनिंग लिख लिया। कैपिटल, हाँ, वैसे ही अपन इसमें एसेट, सर तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पहले लिखा आपने ओपनिंग कैपिटल, फिर लिखा क्लोजिंग कैपिटल, फिर आपने बोला कि कैपिटल में अगर एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस ओपनिंग प्रॉफिट ओपनिंग करते हैं। ओपनिंग कैपिटल में अगर एडिशनल कैपिटल हम जोड़ देंगे, हाँ, ओपनिंग कैपिटल में अगर एडिशनल, हाँ एडिशनल कैपिटल जोड़ देंगे ड्राइंग्स को माइनस और प्रॉफिट को प्लस, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, देखो बिजनेस में प्रॉफिट निकालने के दो तरीके होते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो प्रॉपर अकाउंटिंग रखते हैं, तो तुमने फाइनल अकाउंट्स बनाए तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट वगैरह बना के काम को कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई बिजनेस प्रॉपर अकाउंटिंग रख रहा है तो। लेकिन अगर कोई बिजनेस प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं रख रहा, इनकम्प्लीट है या सिंगल एंट्री सिस्टम, उस केस में हम क्या करते हैं, ऐसे बिजनेस के अंदर जब प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है तो हम उस बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर करते हैं और उसमें एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट करते हैं, ये सब करते हैं तो हमको बिजनेस का प्रॉफिट मालूम पड़ जाता है, हमें प्रॉफिट ही निकालना है। अरे तो सर एक बार जो आपने बोला वो वापस से मैं थोड़ा बता रहा समझाओ हूं, ना। अगर हम बिजनेस में प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं फॉलो हो रहा है तो हाँ हम हाँ इस इक्वेशन को फॉलो करके मतलब सर बिजनेस का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम मतलब जो पहले वाला, इसके अंदर ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता,
हाँ इसके समझ अंदर गया बैलेंस है। हमने क्या देखा जब हमने ये अकाउंटिंग बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, इसके लिए हमें क्या चाहिए था? बैलेंस चाहिए था। हाँ तो अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसने जिसने अकाउंटिंग नहीं कर रखी, जो कहता है भाई मेरे पास ट्रायल बैलेंस जैसे कुछ नहीं बना सकते, तो कैसे करोगे? तो उस केस के अंदर हम बिजनेस से कहेंगे अच्छा एक काम करो, हमें साल ओपनिंग कैपिटल दे दो, क्लोजिंग कैपिटल दे दो, एडिशनल कैपिटल दे दो, ड्रॉइंग्स दे दो, हम प्रॉफिट निकाल। ठीक है सर। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन कौन सी यूज की? यहाँ पे इक्वेशन जो यूज की वो हमने यूज की क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट्स। तो ये हमारी इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट्स। अगर मैं इस इक्वेशन को चेंज करूं थोड़ा सा, प्रॉफिट को एक तरफ कर लूं, बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ कर दूं, मैथमेटिकली बाकी ये सारी चीजों को मैं उठाकर ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब मैं इधर से इधर ले जाऊं और प्रॉफिट निकालूं, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। तो अगर मुझे प्रॉफिट, मेरी इक्वेशन कौन सी? मेरी इक्वेशन तो वही है जो ऊपर लिखी हुई इक्वेशन, तो मेरी यही है। इस इक्वेशन में मैं चेंज ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्लोजिंग कैपिटल लिखा हुआ, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉफिट चाहिए। अगर मुझे चाहिए। प्रॉफिट निकालना है तो इक्वेशन में मैं थोड़ा सा चेंज ये करूंगा कि क्लोजिंग कैपिटल में से हाँ ओपनिंग कैपिटल घटाऊंगा, एडिशनल कैपिटल माइनस करूंगा, ड्रॉइंग साइड आ जाओ। ठीक है सर, ठीक है इज सर, दैट ठीक ओके? है सर। सर अभी तक जो आपने मेरे को समझाया ना, उसके आप थोड़ा मेरे को शॉर्ट में थोड़ा ब्रीफ वो दे दो, समरी दे दो टाइप का। समरी में यह है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो प्रॉपर अकाउंटिंग रखते हैं, वो प्रॉपर अकाउंटिंग रखते हैं तो वो ट्रायल बैलेंस बना पाते हैं, जब वो ट्रायल बैलेंस बना पाते हैं तो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम उनका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं। हाँ ठीक है। जब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम उनका सही प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हाँ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं रखते हैं, उन केस के अंदर हम क्या करते हैं, उनकी ओपनिंग कैपिटल देखते हैं, साल के शुरू की कैपिटल कितनी है, साल के हाँ अंत की कैपिटल कितनी है, और फिर एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगर निकाल कर हम ये वाली इक्वेशन फॉलो करके हम उनका प्रॉफिट निकाल सकते हैं बिना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस सर। अकाउंट बनाए। हाँ समझ गया सर, अच्छे से समझ गया। मतलब ये कि अगर कोई बिजनेस का हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं भी बना सकते हैं तो भी हम ये इक्वेशन को फॉलो करके उनका बिजनेस का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिस क्वेश्चन हाँ को सॉल्व सर। करना है। ये हम लोग क्वार्टर टू सिक्स या सिक्स के आसपास एक बार फिर से मिल सकेंगे आधे पौन घंटे के लिए क्लब से पहले, है हाँ सर, सर ठीक है सर। ना? 4:45 मतलब 5:45। 5:45, हाँ 5:45 या 6 जैसा भी होगा मैं तुमको कंफर्म। ओके सर पक्का। अभी मैं हाँ तुम्हारी क्लास 5 o'clock तक ले रहा हूँ, फिर मैं दोबारा मिलते हैं उसके बाद। ठीक ठीक है, है सर, ठीक अब है। ये दो ऊपर के क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास, तुमने वो इक्वेशन लिख ली जो अभी मैंने दिखाई थी तुमको, हाँ सर अच्छे से लिख लिया। ये वाली लिख ली, ये वाली इक्वेशन लिख ली ना जो यहाँ पे दिख रही है। हाँ हाँ लिख ली लिख ली। अब तुम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, हाँ सर अभी कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों करो। सर आपने बस प्रॉफिट बताया, इसमें लॉस भी लिखा है, प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट, अगर आंसर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट है, माइनस में आएगा तो लॉस हो जाए। अच्छा समझ गया, ठीक है।
और आंसर आ रहा है -7000। -7000 -7000 तो -7000 आ रहा है तो लॉस हो जाएगा, 5-7000 का लॉस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन तो है नहीं, कैसे आ रहा -7000 दिखाना जरा, अपने कैलकुलेशन बोलना जरा। बोल रहा हूँ सर, पहले क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल 1,75,000, क्लोजिंग कैपिटल 175, एक सेकेंड, क्लोजिंग कैपिटल 175, ओके ठीक है फिर। एक सेकंड, क्लोजिंग कैपिटल तुमने 175 में ओपनिंग कैपिटल घटाया, हाँ ठीक है, 1,75,000, हाँ फिर -15, -1,50,000, -1,50,000, हाँ। अरे सर, हाँ सर मैंने मिस्टेक देख ली कहाँ पे, कहाँ पे सर वो मैंने क्या करा, 75 -50 को 15 लिख दिया, पर होता 25 है। सर तो इसका आंसर आ रहा है -2000। नहीं, आगे बोलो, एडिशनल कैपिटल कितनी है? एडिशनल कैपिटल -57,000। ड्राइंग्स कितनी है? +20,000। कितना आंसर बताता हूँ, एक मिनट सर, बस हो गया। 27 सर, -12,000। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन करना।
प्लस 20,000 प्लस 20,000। अब ये जो तुमने इक्वेशन में काम किया है ना, इसको लिए हम एक स्टेटमेंट बना के इस चीज को करते हैं। अच्छा ठीक है, स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं समझते हैं उस स्टेटमेंट को। हाँ सर वही। हाँ सर, तो ये जो अभी अपन ने किया ये एक नंबर में आ सकता है। हाँ आ सकते हैं बिल्कुल। तो इसको हम स्टेटमेंट बना के कैसे करते हैं वो चीज समझते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अंदर हम जो तुमने किया है वही आंसर तुमको अब स्टेटमेंट से बनाकर निकालना है। यहाँ पे तुम हाँ क्या सर। लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल। हाँ सर, और सर मैं 1 मिनट के लिए वो हो गया था, 1 मिनट के लिए वो थोड़ा इंटरनेट खराब हो गया था, तो आप जो अभी बता मैं रहे थे वही वो कह अभी रहा बता हूँ, जो दीजिए। चीज अपन ने अभी इक्वेशन से निकाली है उस चीज को अपने को स्टेटमेंट से निकालना है, स्टेटमेंट ठीक बना के करना है। है। अब स्टेटमेंट कैसे बनेगा वो मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है। माइनस कर दिया दोनों को जोड़ के, फिर इसके अंदर अपन ने जोड़ने के बाद जो आंसर आया, माइनस करके जो आंसर आया इसके अंदर अपन ने ड्रॉइंग्स को ऐड कर दिया। और ये जो अपना इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है सर। इसमें अच्छा, तो जो अपन ने ऐसे करा था वो इसमें करना होता है। ठीक है। करना होता है, ठीक है। अब आपने जो दोनों क्वेश्चन किए हैं उसको इस टाइप का स्टेटमेंट बना के कर लीजिए। हाँ सर ठीक है। ये स्टेटमेंट उतार लो, पहले तुम कॉपी कर लो इसको, फिर मैं हाँ क्वेश्चन दिखाता हूँ तुमको। हाँ सर, 1 मिनट पहले कॉपी कर लूँ। सर ये ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल को, मतलब जैसे आपने मैंने अलग अलग जो, इनमें से तो दोनों माइनस होंगे ना, तो दोनों को जोड़ हाँ दिया है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब दोनों को जोड़ के जो भी आएगा जोड़ के फिर अमाउंट एक वो, साथ माइनस कर दिया। ठीक है समझ गया सर। हाँ समझ गया। हाँ सर समझ गया, मैं हो गया। नोट कर लिया। हाँ अब ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट बना के कर लो उसको। हाँ सर, कर रहा हूँ कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। तो सर ये एग्जाम में कितने मार्क का आ सकता है? जब एग्जाम में देखेंगे अभी कर लें। एग्जाम में क्या आएगा वो एग्जाम में देखेंगे इसको अभी। ठीक है सर,
हाँ सर 12,000 ही आ रहा है। थोड़ा सर म्यूट सेम रहे। आएगा, प्रेजेंटेशन का तरीका समझाना है तेरे को, इसलिए करने का। अब हाँ आंसर सर तो सेम ही आएगा। हाँ दोनों सर हाँ क्वेश्चन कर ले, फिर फटाक से थर्ड पे आते हैं। हाँ सर कर ली। दोनों हो गए क्या? हाँ अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन में 1 अप्रैल की आप तुमको वो दे रखी है कैपिटल, 1 अप्रैल की कैपिटल दे रखी है, ठीक है। और ड्रॉ ये एडिशनल ये वो दे रहे। अच्छा इसको अपन स्टार्ट करते हैं भाई 5:45 पे, ठीक है। 45 मिनट्स बाद ज्वाइन कर लेते। ठीक है सर, 45 मिनट बात कर लूंगा। अभी तू जा सकता है। ठीक है।